अच्छी समझ आ गई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोरमैन होता है लोअर लेवल मैनेजर होता है, इसको आप क्या करो फंक्शंस के हिसाब से दो कैटेगरी में बांट दो, प्लानिंग और प्रोडक्शन। जो फील्ड पे होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होंगे, और जो ऑफिस वर्क करेंगे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के होंगे। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो ऑफिस वर्क करते हैं उनको क्लर्क बोला जाता है। चार तरह के होते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनेरियन। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो होते हैं बॉस होते हैं, चार तरह के होते हैं, गैंग, स्पीड, रिपेयर और इंस्पेक्टर। आप लोग को ये बात समझ आ गई थी कि नहीं? हाँ या ना बताओ तो मुझे एक बार, याद आ रहा है कल पढ़े अपन कल की क्लास में? यस और नो करके चैट में बताओ मेरे को, आपको ध्यान है कि नहीं? बस आदित्य को याद है, बाकी नहीं है? अजीजा को और बाकी लोग को? ओके, तो ये हमने कल किया था फंक्शनल फोरमैनशिप। अगली टेक्निक जो है वो वर्क स्टडी कहलाती है। वर्क स्टडी में बोला था सिर्फ देख भर लो, और ये मैं क्या करने वाला हूँ आपको समझाऊंगा, ठीक है? वर्क स्टडी बेसिकली क्या होती है, एक ऑब्जर्वेशन है जो मैनेजर करता है ताकि वो क्या कर सके, वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। तो इसमें अलग अलग तरह की स्टडीज होती हैं, जैसे इसमें होती है मेथड स्टडी, ठीक है? ध्यान से देखना, एक एक स्टडी बता दे रहा हूँ आपको, मैं सिखा दे रहा हूँ, समझ लेना। इसमें होती है मेथड स्टडी, इसमें होती है मोशन स्टडी, इसमें होती है टाइम स्टडी, इसमें होती है फटीग स्टडी। चार तरह की स्टडीज होती है, ठीक है? चारों स्टडी सीख लो, अच्छे से समझ लो। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं अगर मेथड स्टडी की, ठीक है? तो मेथड स्टडी का मतलब बेसिकली होता है कि मैनेजर ऑब्जर्व्स द बेस्ट मेथड, द बेस्ट मेथड टू डू द वर्क, टू डू द वर्क एंड देन इंस्ट्रक्ट्स अदर्स टू यूज द मेथड। कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा, मुझे भी पता है आपको, आपको मैं एकदम आराम से इसको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ही ना हो। मेथड स्टडी वो टेक्निक होती है जहां मैनेजर सबको काम दे देता है और बोलता है सब काम करो, जिसका मेथड बेस्ट होगा हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे कि सभी को मेथड अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एज अ टीचर मैं क्या करता हूँ, आप सब बच्चों को बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट शैल राइट द आंसर, सब अपने हिसाब से आंसर लिखो इसका। अब सबका अपना अपना लिखने का तरीका होगा आंसर को, मैं सबके आंसर्स को पढ़ूंगा और जिसका आंसर बेस्ट आंसर होगा पूरी क्लास को बोलूंगा कि आप सबको इसी आंसर को क्या करना है, बोर्ड में लिखकर आना है। तो मेथड स्टडी में वर्कर्स को बोल दिया जाता है काम करिए, और मैनेजर देखता रहता है कौन कैसे काम कर रहा है। जिसका तरीका बेस्ट होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सबको इसी मेथड से काम करना होगा। जैसे एज अ टीचर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और बोला आंसर लिखिए, आप सब आंसर लिखो, मैं सबका आंसर चेक करूंगा और जिसका आंसर बेस्ट होगा पूरी क्लास को बोलूंगा सभी को यही आंसर लिखना पड़ेगा, ये बेस्ट मेथड है आंसर लिखने का, यह बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये मेथड स्टडी कहलाती है। आप बताओ आपको मेथड स्टडी समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? मेथड स्टडी क्या होती है, सबको काम दे दिया जाता है, जिसका तरीका सबसे बेहतरीन होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सभी को इसी मेथड को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। फटाफट बोलो यस और नो, समझ आया कि नहीं सब लोग? मेथड स्टडी समझ आया कि रिपीट करना पड़ेगा मेरे को, बोलो फटाफट हाँ या ना? जितने लोग हो ग्रुप में, समझ आया कि नहीं? श्रुति लेट ज्वाइन करी क्या बेटा? अभी मैंने स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया ना। मेथड स्टडी का मतलब होता है एक ऑब्जर्वेशन, देखना कि किसी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। या मैनेजर क्या करता है, लोगों को वर्क दे देता है, बोलता है एक ही काम सबको दे रहा हूं,
अपने अपने तरीके से करो, और जिसका तरीका बेहतरीन होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है वही मेथड अपनाओ। इसका एग्जांपल मैंने जो दिया, ध्यान रखना मैं टीचर हूं, मैंने आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया सॉल्व करने के लिए, आप सब सॉल्व करो अपने अपने तरीके से, जिसका तरीका बेहतरीन होगा मैं कहूंगा कि सभी लोग अब उसी मेथड से क्या करो, इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये बात ध्यान रखना ठीक है, और मत भूलना, ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, मैनेजर ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ employees, behavior of employees, so as to reduce unnecessary motion, oblique negative behavior. एक example देता हूं जिससे बात आपको समझ आएगी। ये तो एग्जांपल समझ गए होगे यार, इसको अब मैं यहां मिटा दे रहा हूं। मोशन स्टडी का एग्जांपल समझ लो और इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है यार, काम कर एक मिनट बेटा। क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप सब ऑर्गेनाइजेशन मतलब जानते हो। मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ना 10 वर्कर काम करते हैं, ध्यान से सुनना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 10 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। अब हिसाब किताब क्या है कि जैसे 10 वर्कर काम करते हैं तो 100 पीसेस बनना चाहिए डेली 100 पीसेस बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। 10 वर्कर है, 100 पीस डेली बनना चाहिए। अब क्या होता है कि जब बॉस राउंड लगाता है तो सब लोग ना एकदम सिंसियरली काम करते हुए दिखते हैं, सिंसियरली काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी ना डेली जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 50 पीसेस का है, सिर्फ 50 पीस का है। तो बॉस बड़ा परेशान है यार कि यार जब मैं निकलता हूं तो ये तो सिंसियरली काम करते हुए दिखते हैं, फिर भी डेली प्रोडक्शन जो है 100 पीस का होना चाहिए लेकिन 50 पीस का हो रहा है। तो ये क्या करता है, चुपचाप सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, ठीक है, और किसी को ये बात पता नहीं है। जब ये सीसीटीवी कैमरा लगाता है तो समझ आता है इसको कि जब राउंड पे आता है तो वर्कर वर्क करते रहते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहता है, बॉस प्लेस पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो सारे वर्कर व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और कोई भी काम नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण 100 पीस बनने चाहिए और कितने पीस बन रहे हैं, 50 पीस बन रहे हैं, क्योंकि वर्कर एक्चुअल में टाइम पास कर रहे हैं। तो जब बॉस को ये बात पता लगेगी तो वर्कर लोग को बुलाएगा, कैमरे में दिखाएगा कि मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग करी है कि तुम लोग ये सब करते थे, तो डोंट डू इट बोलेगा और आगे समझाएगा कभी मत करना ऐसा। तो मोशन स्टडी में आपके बिहेवियर को देखा जाता है कि आप क्या फालतू काम कर रहे हो। इसके लिए जो मेन इक्विपमेंट है वो सीसीटीवी कैमरा है, लगा के चेक किया जाता है कि दिन भर में आपका बिहेवियर कैसा होता है, और उसके हिसाब से फिर आपको समझाया जाता है कि उठ पटांगे फालतू काम नहीं करने हैं, ये मोशन स्टडी है। कितना समझ आया बताओ मोशन स्टडी आपको, मोशन स्टडी कितना समझ आया, चैट में यस और नो करके बताओ क्लियर है कि नहीं है, यस और नो करके बताओ क्लियर है कि नहीं। सबको, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल होता है, तो आप बताओगे सर मोशन स्टडी वो मेथड है जहां पे हम सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैंने दो मेथड बता दिए बेटा, दो तरीके बता दिए वर्क स्टडी के, एक मेथड स्टडी बताया जहां पे बेस्ट मेथड क्या है काम का देखा जाता है, दूसरा मोशन स्टडी बताया जहां लोगों का बिहेवियर देखा जाता है। तीसरा होता है बेटा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब होता है ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट द वर्क,
टाइम स्टडी में क्या होता है, मैनेजर ये देखता है कि एक काम को करने में एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए और उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है, बाय यूजिंग स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। और इस मेथड में क्या किया जाता है कि वर्करों को वर्क दे दिया जाता है, वर्क दे दिया जाता है और स्टॉप वॉच चालू कर दी जाती है। स्टॉप वॉच सब लोग जानते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम वर्कर जिस एवरेज टाइम में काम को कंप्लीट करके देंगे, ठीक है, वही एवरेज टाइम ऑफ वर्क हो जाएगा। उतने समय में ही काम फिर खत्म होना चाहिए। जैसे आपको ये बात अभी भी नहीं समझ आई होगी तो आपको इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। सर विजय का वेटिंग, नहीं बेटा वेटिंग में तो नहीं दिखा रहा विजय, उसको ऐड होने बोलो, मैं करता हूं। हेलो, एक बार कनेक्ट कर, मेरे में तो नहीं दिखा रहा तेरा वेटिंग रूम। तो बेसिकली इसमें स्टॉप वॉच चालू कर दी जाती है, सबको बोला जाता है चलो बेटा काम करो, ठीक है। अब ना मैक्सिमम लोग जितने समय में काम कंप्लीट करके देंगे, क्या कर दिया जाएगा, मान दिया जाएगा कि ये काम इतनी देर में हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जब आपका एग्जाम का पेपर आता है तो आप देखना कि अक्सर उसमें टाइमर क्या दिया रहता है, अक्सर उसमें टाइमिंग जो होती है, अक्सर उसमें टाइमिंग 3 घंटे की दी रहती है, 3 आवर्स की दी रहती है, ठीक है। तो ये 3 आवर का टाइम कैसे आया होगा, 3 घंटे का टाइम आया कैसे होगा, आप खुद सोचो ना। बहुत सारे लोगों को ना एक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, और स्टॉप वॉच चालू कर दी गई। मैक्सिमम लोगों ने उस पेपर को कितने घंटे में खत्म करा, 3 घंटे के आसपास खत्म किया। तो टाइम स्टडी के हिसाब से पेपर को सॉल्व करने का टाइम कितना हुआ, वो हो जाता है बेटा कभी कभी, क्या कर दिया गया, 3 घंटा रख दिया गया। तो टाइम स्टडी इतनी यूजफुल टेक्निक है कि यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू करके छोड़ देते हैं, सबको बोला जाता है काम खत्म करो। मैक्सिमम लोग जिस टाइम पे काम को खत्म करते हैं वो ही आपका एक्चुअल में वर्क का टाइम होता है। चलिए रिपीट करते हैं, आपको मैंने टेलर की दूसरी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। वर्क स्टडी, मेथड स्टडी मतलब होता है ये देखना कि काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है। मोशन स्टडी में सीसीटीवी कैमरा लगा के आपका बिहेवियर चेक होता है। टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच चालू कर दी जाती है और स्टॉप वॉच चालू करके बेसिकली ये देखा जाता है, सबको बोला जाता है काम करो। और मैक्सिमम लोग जितने समय में काम खत्म करते हैं वर्क को कंप्लीट करने का, वही एवरेज टाइम है। जैसे एग्जाम में पेपर 3 घंटे का इसलिए होता है क्योंकि जब पहली बार इस पे टेस्टिंग हुई थी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया गया और बोला आप लोग बनाओ। मैक्सिमम लोगों ने क्योंकि 2.5 से 3 घंटे के बीच में बनाया तो टाइम दिया गया 3 घंटे का। आपको टाइम स्टडी समझ आई कि नहीं, हाँ या ना बता दो। टाइम स्टडी समझ आई कि नहीं, क्यों और एग्जांपल चाहिए, यस और नो करके फटाफट बताओ यार। आ गई, अरे प्रवीण कुमार, अपने प्रवीण सर है क्या, ये प्रवीण कुमार वेटिंग दिखा रहा है, प्रवीण सर है क्या, नहीं है ना, ये 12th वाला प्रवीण होगा। और ये क्यों ज्वाइन करना चाहता है भाई ये। अच्छा चलो ठीक है, तब 3 स्टडी सीख गए, आखिरी सीख लो तो मामला खत्म हो जाएगा अपना। आखिरी स्टडी जो होती है बेटा उसको फटीग स्टडी बोलते हैं, ठीक है। अब आप उनसे पूछोगे सर फटीग क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा फटीग मतलब होता है थकावट। अच्छा ऐसा है, प्रवीण नरवरे नाम है सर। स्कूल में आप लोग को इंटरवल कितनी देर का मिलता है, टिफिन टाइम कितनी देर का होता है बताओ, स्कूल में रेस्ट इंटरवल या टिफिन टाइम कितनी देर का होता है। बीस मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट। फैटिग स्टडी मतलब होता है ऑब्जर्विंग द लेवल ऑफ टायर्डनेस, ऑब्जर्विंग द लेवल ऑफ टायर्डनेस। टायर्डनेस मतलब फटीग होता है, ऑब्जर्विंग द लेवल ऑफ टायर्डनेस, ठीक है, ऑब्जर्विंग द लेवल ऑफ टायर्डनेस।
so that the period of rest interval can be decided. Example, आप स्टूडेंट्स हो, आपके स्कूल में 8 पीरियड चल रहे हैं, हर पीरियड 35 मिनट्स का होता है, ठीक। आपको इस बीच आफ्टर 4 पीरियड, 4 पीरियड के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक। लेकिन 10 मिनट के ब्रेक में आपका कुछ नहीं हो पाता था, नेक्स्ट 4 पीरियड जो होते थे, अगले 4 पीरियड होते थे, उसमें बहुत थके हुए रहते थे, बहुत टायर्ड रहते थे, क्योंकि 10 मिनट का इंटरवल आपको लग रहा था इनफ नहीं है। तो यहाँ पर जब ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि अगले 4 पीरियड में आप बहुत थके हुए हो, तो यहाँ पर यह किया गया कि आफ्टर 4 पीरियड जो आपका ब्रेक 10 मिनट का था, उसको हाफ एन आवर कर दिया गया, 30 मिनट का ब्रेक कर दिया गया। अब इसमें क्या आप एकदम नाश्ता खाना वाना खा के आराम कर देते हो, फिर अगले 4 पीरियड जो रहते हैं आप उसमें फुल एक्टिव होके क्या है क्लास अटेंड करते हो। तो फैटिक स्टडी में यही देखा जाता है कि एक पर्सन काम करते करते या पढ़ते पढ़ते किस लेवल पे थक जाता है, उसके हिसाब से फिर क्या किया जाता है, रेस्ट इंटरवल डिसाइड किया जाता है। 8 पीरियड में 4 पीरियड के बाद आपको केवल 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा था, तो आप खूब थक जा रहे थे, तो यहाँ पे जरूरत थी आपका ब्रेक पीरियड बढ़ाने की, तो बढ़ा दिया गया, तो अगले 4 पीरियड आप हंसी खुशी क्या करते हो, अटेंड कर देते हो। चलो आप बताओ, आपको फैटिक स्टडी समझ आई कि नहीं, हाँ आपको फटीक स्टडी समझ आई कि नहीं आई, अच्छे से आ गई। तो हमारे टेलर भैया का ये दूसरा कारनामा था, ठीक है बेटा। फटीक स्टडी मतलब ये देखना होता है कि इंसान कितनी देर में थक जाता है, अगर वो जल्दी थक जा रहा है तो उसका रेस्ट इंटरवल बढ़ा दो, और अगर वो नहीं थक रहा है तो उसका रेस्ट इंटरवल घटाया भी जा सकता है। जैसे तुम लगातार 10 घंटे क्लास अटेंड करोगे तो थकान लग जाएगी ना, तो बेटर क्या है तुम्हारे लिए, बीच में रेस्ट पीरियड रख दिया जाए ताकि तुम आराम कर सको और आराम से काम कर सको और पढ़ाई कर सको। तो फैटिक स्टडी में बेसिकली आपको रेस्ट इंटरवल देने के बारे में सोचा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, देखो मैं बहुत स्लोली करवा रहा हूँ आपको, एक एक चीज ध्यान से करो आप। मेथड स्टडी में क्या किया गया, काम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका देखा गया। मोशन स्टडी में आपके व्यवहार को देखा गया सीसीटीवी कैमरा लगा के। टाइम स्टडी में ये चेक किया गया काम को करने में एवरेज टाइम क्या लगता है। और फटीग स्टडी में लेवल ऑफ थकान देखा गया, टायर्डनेस देखा गया, उसके हिसाब से आपका रेस्ट इंटरवल डिसाइड किया गया। अब आप मेरे को ईमानदारी से बता दो, आपको पूरी वर्क स्टडी समझ आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना? सभी लोग, आपको पूरी वर्क स्टडी समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो मैंने आपको देखो बेटा क्या किया है, दो टेक्निक्स करा डाली है मैंने आपको, दो टेक्निक करा डाली है। कौन कौन सी टेक्निक करा डाली है, फंक्शनल फोरमैनशिप मैंने आपको बता दिया है और वर्क स्टडी मैंने आपको करा दिया है। अब मैं आपको अगली टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी है तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब दो अगली टेक्निक अपन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। थोड़ा सा अच्छे से समझना इसको, ठीक, और ध्यान से करना। अगली टेक्निक जो बेसिकली टेलर ने दी है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, और अगर आपने जैसे टेक्निक वेक्निक भूल जाओगे तो अभी अपन क्या करेंगे, चैप्टर खत्म होगा ना तो एक बार पूरा रिवीजन कर देंगे चैप्टर का, ठीक है। इस हफ्ते चैप्टर 2 पे पूरा फोकस करेंगे, भले टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट दियो, पूरा रिवीजन कर देंगे शॉर्ट में ताकि एक बार में आपको याद आ जाए पूरा। आज इको का भी पूरा आपको शुरू से आखिरी तक रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन अपन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द ऑपरेशंस मतलब होता है वर्क, शुड बी डन एट अ स्टैंडर्ड। वर्क एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग द रॉ मटेरियल
right from selecting the raw material up to the finished product. Everything should be standardized. Sir, कुछ नहीं समझ आया, आप क्या तो दिख रहे हो, अभी समझा दे रहा हूं तो समझ आ जाएगा भाई। स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक बोलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतरीन स्टैंडर्ड में काम होना चाहिए। रॉ मटेरियल सिलेक्ट करने से लेकर फिनिश गुड्स बनाने तक हर चीज स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं एक होटल चला रहा हूँ और स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक पे जा रहा हूँ तो कहना यह है कि तुम अगर जलेबी बना रहे हो तो राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल देसी घी का इस्तेमाल करो, बेस्ट क्वालिटी मैदा लाओ। जब आप देसी घी का इस्तेमाल करोगे और बेस्ट क्वालिटी मैदे का इस्तेमाल करोगे तो जलेबी भी जो होगी वो बेहतरीन बनेगी, एक्सीलेंट क्वालिटी की बनेगी। ये बोलता है कि अपनी क्वालिटी कभी मत कम होने दो। जब आप कोई भी काम करो तो बेहतरीन स्टैंडर्ड में काम करो, स्टैंडर्ड कभी भी अपना लो मत करो किसी भी चीज में। ये स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक बोलती है। अगर आप क्रिकेट का बैट बना रहे हो तो जो बेस्ट क्वालिटी वुड है वो लेकर आओ, जो बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी है वो लेकर आओ। जब बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी आप लाओगे ना तो बैट भी बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, फिर मार्केट में बिकेगा भी वो ज्यादा का। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये बोलता है कि रॉ मटेरियल ही बेहतरीन चुनो ताकि प्रोडक्ट भी बेहतरीन बन के निकले। आप बताओ, आपको स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझ आया कि नहीं है? क्या आप इस पे बिलीव करते हो कि नहीं करते? हर चीज जो आप करो बेहतरीन स्टैंडर्ड की करो। क्या होता है, लेवल या क्वालिटी कम करने से ना हर चीज का नुकसान होता है। तो बेटर है कि आप जो भी करेंगे बेस्ट स्टैंडर्ड का करिए। सेकंड, इसी का अगला हिस्सा होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या बोलता है, आज बहुत सारे लोग ना डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक बेसिकली ये बोलती है कि एवरी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन must be done in a simplest manner and it should not be complicated. कोई भी काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो सबसे आसान तरीके से करो, किसी भी चीज को कॉम्प्लीकेट करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या पता बेटा क्यों हो रहा है, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो अनुष्का, बाकी लोग को तो सब दिख रहा है, सब देख पा रहे हैं, है ना? हो सकता है कई बार नेटवर्क इशू आ रहा हो, बैकअप वीडियो दे देना अगर ऐसा हो तो। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई काम होता है जितना आसान तरीके से हो सके उतने आसान तरीके से करो, किसी भी चीज को कॉम्प्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अगर मुझे 4 कैलकुलेट करना है और 4 को कैलकुलेट करने के लिए मैं 3 + 3 - 2 करता हूं तो मैं बेवकूफ हूं। मुझे कायदे से क्या करना चाहिए, मुझे अगर कोई 4 कैलकुलेट करने बोल रहा है तो मुझे 2 + 2 = 4 करके उसको बता देना चाहिए कि 4 ऐसे आता है। तो जब आप कोई भी काम करते हो तो सबसे आसान तरीके से करो, किसी चीज को कॉम्प्लीकेट करने की कोशिश मत करो। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है आप समझ लो। स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि हर काम को बेहतरीन तरीके से आपको करना है, बेस्ट स्टैंडर्ड में। और सिंप्लीफिकेशन कहता है कि जितना आसान तरीका हो सके उतने आसान तरीके से काम करो तो काम अच्छा होगा। अब आप बताओ, आपको टेलर की ये टेक्निक समझ आई कि नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन? आपको टेलर की टेक्निक समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? गुड। तो 3 टेक्निक अपनी हो गई है, फंक्शनल फोरमैनशिप हो गई, वर्क स्टडी हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन हो गई। चौथी बता के मैं रुक जाता हूं। चौथी टेक्निक जो होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज। बहुत छोटी सी और आसान सी टेक्निक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है ना, हाँ ठीक है,
डिफरेंशियल पीस फेस सिस्टम की टेक्निक है ना, वो ये कहती है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द वर्कर्स शुड बी डिवाइडेड, वर्कर शुड बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। वर्कर्स को आप क्या करो, दो कैटेगरीज में बांट दो, एफिशिएंट वर्कर वर्कर को दो कैटेगरी में अपने को बांटना है, ठीक है, ठीक है ना, मैं करता हूं। और दूसरी इनएफिशिएंट वर्कर, दो कैटेगरी में आप क्या करो, वर्करों को बांट दो। अब क्या करो, जो आपके एफिशिएंट वर्कर है, एफिशिएंट वर्कर कौन होंगे, जिनका काम बहुत अच्छा जा रहा है, इनकी सैलरी बढ़ा दो। और जो इनएफिशिएंट है, जो नालायक टाइप के हैं, इनकी सैलरी बढ़ा घटा दो, डिक्रीज कर दो। सुनो बात को, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये बोलता है कि वर्करों को दो कैटेगरी में बांटो, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंट है मतलब अच्छा काम करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दो, और इनएफिशिएंट जो उनकी सैलरी घटा दो। इससे यह होगा कि जब आप इनकी सैलरी बढ़ाओगे तो ये और मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो और अच्छा काम करेंगे। और जब आप इनकी सैलरी घटाओगे नालायक लोग की, तो इनको शर्म आएगी, और जब ये शर्म आएगी तो ये और मेहनत करेंगे ताकि एफिशिएंट के बराबर आ सके। ये डिफरेंशियल पीस वेज है। आपको समझ आया कि नहीं, आप ये बताओ, डिफरेंशियल पीस वेज, वर्करों को दो कैटेगरी में बांटना है, अच्छे और नालायक। अच्छों की सैलरी बढ़ा देंगे और नालायक लोग की घटा देंगे। अच्छों की सैलरी बढ़ाएंगे तो और बेहतर आपके लिए काम करके देंगे वो, और जो काम नहीं करते थे, इनएफिशिएंट है, उनकी सैलरी घटाएंगे, उनको शर्म आएगी तो वो मेहनत करेंगे ताकि वो एफिशिएंट के बराबर आ सके। आप ईमानदारी से सब लोग बताओ, आपको समझ आया कि नहीं आया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हाँ या ना? बस इस पर आपका फोकस होना चाहिए। कोई ऐसा है क्या जिसको रिपीट करना है, या डाउट आ रहा है, नहीं समझ आया बता दो मेरे को। कोई ऐसा है क्या जिसको डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो फिर बता दूं। क्लियर है तो बेटा, ये मेन चार टेक्निक है पढ़ना, मेंटल रिवॉल्यूशन को इग्नोर करके चलना वो कोई काम के नहीं है, ठीक है। चार टेक्निक है, आपको मैंने चारों पढ़ा डाली है। क्या क्या पढ़ा डाली मैंने आपको, फंक्शनल फोरमैनशिप बता दी है। आज मैं इसका नोट्स आपको भेज रहा हूँ, आप केवल एक बार इसको पढ़ डालना यार। फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी बताया, डिफरेंशियल पीस वेज बताया, और चौथी मैंने आपको बता दी स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। आप इसको एकदम अच्छे से क्या करो, कर दो। ये चार टेक्निक एकदम सॉलिड तरीके से आनी चाहिए। वीडियो भी भेज दूंगा, शांत मन से देख भी देना। अभी 9:40 को ठीक 10 मिनट बाद इको के लिए मिल रहे हैं अपन। डिस्कनेक्ट हो जाओ, 10 मिनट बाद मिलते हैं इको के लिए। इको कर रहे हैं 10 मिनट में, ठीक है, ये करो।